जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों में से कई सारे लोग जो है जियो फोन यूज करते होंगे, तो आज के टाइम में जियो में थोड़ा सा स्लोपन आ गया है। पहले जैसा नहीं है, जो कि 4G नेट तेज चलता था या बफरिंग नहीं होता था, जैसे नॉर्मली आप यूट्यूब चलाते ही धड़ाक से चल जाता था। तो जियो नेट क्या है, नॉर्मली अभी अगर आप 60% यूज होता है पर डे में, 60% यूज होने जाने के बाद ऑटोमेटिक वो स्लो करने लगता है। तो यहाँ पर मैं एक सेटिंग्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पिछले दिनों एक वीडियो लाया था, उसमें भी अच्छा खासा व्यू आया, बहुत सारे लोगों ने देखा और यूज भी किया, काफी बढ़िया था। आज जो सेटिंग्स लेके आया हूँ ये पूरा बिल्कुल नया है, तो मैंने खुद ट्राई किया हूँ। काफी हद तक मतलब जिस हिसाब से मेरे डाउनलोडिंग स्पीड था या अपलोडिंग स्पीड था, तो उसके थ्रू ये वाला सेटअप मैंने करने के बाद, इस फोन के अंदर वो सिम डला हुआ है जियो सिम, तो इसके थ्रू मेरा लैपटॉप चलता है, दो फोन मेरे कनेक्ट होते हैं। तो MI A3 के अंदर मैंने डाल रखा हूँ जियो सिम, तो इस सिम के थ्रू मैंने इसके अंदर जो डाटा आता है, सिर्फ इसमें कॉलिंग नहीं होता, सिर्फ डाटा यूज होता रहता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, हो सकता है किसी और को भी काम आ जाए, क्योंकि कोई परेशान हो रहा होगा स्लो स्लो के लिए इंटरनेट, तो आप ये सेटिंग जरूर करा देना। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये जियो पे ही वर्क करते हैं। अगर आप जियो फोन यूज करते हैं तो अभी वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आप यहीं से भी स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में जो फोन दिखा रहा हूँ ये स्टॉक एंड्रॉइड फोन है। यहाँ पर आप अपने पास अगर कोई भी फोन हो, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो, सेटिंग्स बराबर ही होगा, आगे पीछे होगा, आप सर्च कर लेना। मैंने यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग के अंदर जाना है और साथ में आप चेक कर लेना आपके फोन के अंदर कैसा शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है, तो इस पर टैप करिए, जियो सिम जहाँ पर है नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाना है, तो यहाँ पे मोबाइल डाटा और रोमिंग ये दोनों इनेबल होना चाहिए। साथ में एक्सेस पॉइंट ऑप्शन आता है, तो इसको टैप करिए, टैप करने के बाद एक प्लस बटन पे जाना है, तो नया जो नेट हमें सेट करना है। सबसे पहले नया नेट सेट करने के लिए यहाँ पे नेम आता है, तो ध्यान से देखिए, इस नेम की जगह आपको OSS7I देना है, कैपिटल लेटर में O, छोटे अक्षर में SS, उसके बाद 7 स्मॉल लेटर में I, ओके करना है। अपीयरेंस टाइप के अंदर जियो इंटरनेट देना है, जियो इंटरनेट इसको ओके कर दीजिए, प्रॉक्सी छोड़ दीजिए, पोर्ट छोड़ दीजिए, यूजर नेम में आपको देना है OSS स्पेस देके VOT7, ठीक है, ये वाला जो सेटअप है, सॉरी स्पेस ना देना है, OSS BOT7, ओके कर देना है। पासवर्ड छोड़ दो, सर्वर के अंदर आपको jio.com ये सेटअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलिए, यहाँ पे MCC और MNC ये जो है रखा हुआ है डिफॉल्ट रहेगा, ऑथेंटिकेशन टाइप सेट वही रहेगा नॉट सेट, APN टाइप के अंदर आपको इपेन टाइप में आपको चेक करना है डिफॉल्ट DFU, सॉरी यहाँ पे डिफॉल्ट यह सेटअप है, ओके। तो इसके बाद आपको यहाँ पे APN प्रोटोकॉल के अंदर IPv4 रोमिंग प्रोटोकॉल ये सेम देना है। इसके बाद आपको बैरियर के अंदर और मोनो टाइप के इसको कुछ छेड़ना नहीं है, सिंपल सा आप जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, आप सेव बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक नया APN टाइप आ जाता है OSS7I, तो यहाँ पे टैप कर देना। जैसे आप टैप करिए, यहाँ देखोगे नेटवर्क एक दो बार अप डाउन होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको एक बार जाना है होम स्क्रीन पर, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और आपके फोन का जो भी पावर बटन होगा उसको दबा के रखना है, तो रिस्टार्ट बटन ऑप्शन आएगा, तो रिस्टार्ट कर देना है या पावर ऑफ करके ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी सेटअप आपने किए हैं इंटरनेट का, वो सब सेटिंग एक ही जगह बैठ जाएगा। तो जैसे ऑन हो जाएगा तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर फोन जो है मेरा ओपन हो चुका है, तो इसके बाद एक बार जाके हमें देख देते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सी इंटरनेट चल रहा है। यहाँ पे जियो नेट के अंदर गया, तो एडवांस के अंदर गया, इसके अंदर एक्सेस पॉइंट के अंदर गया, OSS7I, ठीक है, इसके अंदर नेट वगैरह जो है काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहो तो इमीडिएटली वर्किंग करेगा और ये जियो नेट जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफी पसंद आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज किया है, काफी ठीक ठाक सा चल रहा है।
तो जो ट्रिक मैं लेके आता हूँ कभी गलत नहीं होता, आप लोग मुझे पता है कि सही तरह वर्क करोगे। तो इसको एक बार जब इंस्टॉल कर लोगे यानी कि सेटअप बना लोगे, तो उसके बाद फोन को रिस्टार्ट जरूर करना। एक बार रिस्टार्ट करने के बाद रिस्टार्ट जो नॉर्मल इस पावर ऑफ करोगे, पावर ऑफ नहीं करके रिस्टार्ट कर दोगे जैसे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए, तो उसके थ्रू आपके फोन के अंदर जो भी सेटिंग्स आप करके रखोगे तो वो सब वर्क कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो लाइक तो जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम इसी टाइप के वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप सबको जो भी टेक रिलेटेड न्यूज देते रहते हैं। बस यही था आज के वीडियो, मिलूंगा तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर एंड बंदे मातरम।